जा रहे हैं यहाँ ससुराल, आइए चलते हैं मेरे ससुराल। मेरी रुख्सत हो रही है ससुराल से, मैं जब भी ससुराल से जाता हूँ कट्टे भर भर के घर ले जाता हूँ। दोस्तों यह है मम्मी के हल्द्वानी के खेतों की मेहनत, दिखाते हैं आपको मम्मी पापा ने कितनी मेहनत करके इतना प्याज हो रखा है, लेकिन छोटा छोटा हुआ है पर इतना प्याज हो रखा है। तो दोस्तों मम्मी का चश्मा खो गया है, मम्मी कब से अपना चश्मा ढूंढ रही हैं न्यूज़ देखने के लिए। कहाँ रखा था आपने? मैं जल्दी से फोन ढूंढ के लाई, मैंने कहा लाइट ऑन करके ब्लॉगिंग करती हूँ। क्या ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया बेचारा, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, लेकिन जैसा भी है अपने हाथ की मेहनत अपनी खेत। और अभी सुबह सवेरे की भाग दौड़ चल रही है, तैयार हो गए हैं नित्या काशिन के पापा, ये कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट भोजन। और आज ब्रेकफास्ट मैंने बना रखा है, क्या बनाया? इडली, एप्पल और सांबर। तो आज का ब्रेकफास्ट स्पेशल है, सूजी की इडली बना रखी है और सांबर बना रखा है। दिखा दो ये है। और ये टिशू रखा है बाबू यहाँ पे, ये टिशू है। चलो रे मैं खा रहा हूँ। हाँ तेरा है, चलो बैग मार दो। चलो तो दोस्तों अभी मैं होती हूँ रेडी, मैं भी रेडी नहीं हुई हूँ, आज मैंने पवन की टी-शर्ट, स्पाइडरमैन पवन की टी-शर्ट पहनेंगे। क्या कह रही काशू? क्या तो जा रहे हैं यहाँ ससुराल, आइए चलते हैं मेरे ससुराल की तरफ। तो ये पहुंच गए हम ससुराल, वो है हमारी सासू माँ। कैसे नहीं आते हो? बिन बुलाए आते नहीं हो, ऐसा कौन बोलता है? अरे सासू माँ छुट्टी के टाइम में कहाँ आने का मन कर रहा होता है यार, कुछ सोचो। छुट्टी के टाइम में घर भागने का मन करता है। ठीक ठीक। क्या काहे बुलाया आपने? दर्शन करने के लिए आपके। वीडियो कॉल कर लेते, भयंकरी क्या है ये, कैसे ले जाए जाएगा? ये क्या है, इतनी सब्जियां हैं? पहला ये कहाँ के हैं? रामगढ़ के, हल्द्वानी के। सही है, सामने उधर वाला है, हमारे खेत में भी चले जाया करो फिर, नीचे वाले में और जंगल के किनारे वाले में। ये देखो सासू माँ यहाँ जूस लाते हुए, यहाँ आपकी बेटी के ऑर्डर के उससे करना पड़ रहा है मुझे, मैं नहीं करूँगा तो मारेगी मुझे। यहाँ पानी नहीं, सीधे कोल्ड ड्रिंक ही मिलती है मित्रों। ये हो गया। चलो चलते हैं, अब यहाँ मेरी रुख्सत हो रही है ससुराल से, मैं जब भी ससुराल से जाता हूँ कट्टे भर भर के घर ले जाता हूँ। मैं तभी ससुराल आता हूँ जब कट्टे। यही सही करो, चलो फिर चलो। दोस्तों यहाँ पे पति देव आ गए हैं, ऐसी होता है ससुराल जाने में। ये देखो कट्टे, झोला, पता नहीं क्या क्या भर के भेजा है मम्मी ने। इसमें है हरा सब्जी, हरी कम दाल खाना, यहाँ चावल खीर के लिए है बोलो। अच्छा देखा नानी ने क्या क्या भेजा है तूने। तो दोस्तों ये है मम्मी के हल्द्वानी के खेतों की मेहनत, दिखाते हैं आपको मम्मी पापा ने कितनी मेहनत करके इतना प्याज हो रखा है, लेकिन छोटा छोटा हुआ है पर इतना प्याज हो रखा है। और ये देखो मम्मी के खेतों के चने, तो ये है साल भर की मेहनत मम्मी पापा की। ये लहसुन भी उन्हीं के खेत का है क्या? खेत का ही है,
ये पहाड़ का होगा, ये पहाड़ का होगा शायद, यहाँ का है बल, यहीं का होगा फिर, ये यहीं का ही होगा, यहाँ भी तो बोया था लहसुन, पता नहीं तो काशी ने आज उठाया साइज से बड़ा गिटार अपने हाथ में और देखिए ये गाना भी जा गा रही है, ऐसे करके उठा के बजा रही है, ऐसे उठा रही है, उठा तो काशी बजा तो, तेरी नाक कटेगी रे तार से, नीचे आ जा सुपनखा, अरे बजान दे बजान दे बजान दे, सही बजा रही है दीदी, पैसे दे दिए, मैं क्लास ले रही हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ यहाँ पे, और वहाँ पे देखी है ऐसे वो जैसे जैसे बजा रही है अपना मुंह से निकाल रही है ऐसी आवाज, बेटा ले पैसे दे रहे हो पहले, तो फ्रेंड्स अभी मैंने अपनी गिटार क्लास ले ली है और अब मैं पढ़ाती हूँ, क्या दो नए स्टूडेंट और आ गए मेरे गिटार के, ये अम्मा को ही सजाने में रह गई, उसने कहा था ना मैक्सी मोड़ी नहीं है पूरी, कैसी पहन दी करके, कर दी ऊपर जा, चलो आप आओ काशी बैठो, आज तो पापा जैसी लग रही है ना, पापा की टी शर्ट में लग रही हूँ पापा जैसी, मम्मी सीख ही लेते हो मतलब गिटार, इन चिलकुजियों को देखो तो, कौन पढ़ेंगे नहीं, इसको रख दो ऊपर, कौन रख दो ना ऊपर, ये नहीं पढ़ेंगे फिर ऐसे नाचते रहेंगे, वो सोफे का कवर लगा नित्या, ये प्लकेस नहीं कर दो, ससुराल की कट गई हैं सब्जियां, तो गाइस आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ सब कुछ नॉर्मल है, बट नॉर्मल ऐसा नहीं है, ये मेरे ससुराल की सब्जियां हैं और ये ज्योति के ससुराल का प्याज है, ठीक है, और ये नित्या हमारी है, ये काशी भी हमारी है, बाकी यहाँ पे शानदार कार्य चल रहा है अब इनकी शूटिंग करते हुए, पता नहीं मेरी काशी आज ऑस्ट्रिच जैसी का बन गई है, पता नहीं कहाँ का प्रेशर बनाना चाह रही है, चल रही है भयंकर पढ़ाई, मैं भी जरा अपनी बुक इडेट फ्रॉक पढ़ लेता हूँ, और ये डिस्टर्ब करेगी फिर इसको हम डिस्टर्ब करेंगे, तो दोस्तों मम्मी का चश्मा खो गया है, मम्मी कब से अपना चश्मा ढूंढ रही हैं न्यूज देखने के लिए, कहाँ रखा था आपने, याद ही नहीं है घूमने तो मैं जल्दी से फोन ढूंढ के लाई, मैंने कहा लाइट ऑन करके व्लॉगिंग करती हूँ, क्या यार मम्मी गजब हो यार आप कसम से, अब थोड़ी देर एक्टिंग ही कर लेते, अभी तक तो सीरियस थे, जैसे मेरा कैमरा ऑन हुआ याद आ गई सर मैं है करके, अच्छा मेरे हंसते पे आई हलवो हो गया आप, मैं चश्मा कह के हाँ मैं भाग के गई, मैंने देख लिया था आपके सर में, और हाथ लगाया तो मैं चश्मा ही मिल गया, तो दोस्तों मम्मी का हो रहा था भैया जी का टाइम, तो मम्मी बोल रही मेरा चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, तो मैं स्टडी रूम से आ रही थी, मैंने मम्मी को देख लिया कि मम्मी चश्मा ढूंढ रही है, और मैंने ये भी देख लिया कि उनके सर पे लगा हुआ है, तो मैं किचन में गई फटाफट से, मेरे किचन में था फोन, मैं लेके आई, मैंने कहा पहले लाइट ऑन करके व्लॉगिंग करती फिर बताऊंगी इनको आपका चश्मा सर में है, जैसे मैंने कहा कहाँ रखा आपने, कहीं भूल तो नहीं गया, वैसे ऐसे करा है कहाँ गया, तो सर में मिल गया, तो ऐसे तो मम्मी हो रही है, सर में चश्मा लगा रही है, कभी इनका फोन खो जाता है, फोन आगे से रखा होगा सिराने पर रखा होगा वो भी खो जाता है,
भूल जाती है चश्मा, कहाँ कहाँ रख देती है, फिर भूल जाती है, फिर देखती नहीं, फिर मोबाइल में तो घंटी बाज जाओ, चश्मे के बाजो घंटी लगा देते हैं इसमें, कोई नहीं है, जब दर्श बखा ढूंढ जो दर्श बखा का गया, दर्श चश्मा का गया, ऐसे हाल हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कंटेंट बना लिया जाए, इसको थोड़ा थंबनेल या टाइटल ही हो जाएगा मेरा आज का। क्या करें, ब्लॉगर्स की जिंदगी बड़ी ही खतरनाक है भाई, हर चीज में थंबनेल और टाइटल ढूंढना पड़ता है, क्या करें। तो दोस्तों आज मैंने मॉर्निंग में इडली बनाई थी और हमने भी स्कूल से आके, स्कूल में भी लेके गई थे तो खाया, भूख भी नहीं लगी, शाम को पवन ने भी नहीं खाया, मम्मी लोगों ने भी खा रखे होंगे, मतलब ज़्यादा ही बनाए थे मैंने, तो आज के शाम का डिनर हमारा इडली भी बचा हुआ है और साथ ही मैं बना रही हूँ हरी सब्जी, मम्मी ने भेजी थी अपने खेतों की ताज़ी ताज़ी हरी सब्जी, तो वो बना रही हूँ और आटा गूंथ दिया है, सब्जी कट गई है, अब सब्जी चढ़ाती हूँ, फिर जाती हूँ छत में थोड़ी देर और छत में व्लॉगिंग करके आती हूँ पहले कि बच्चे क्या कर रहे हैं वो देख के आती हूँ। और आज मैं कितनी मोटी मोटी लग रही हूँ, पवन की टी शर्ट में ऐसी लग रही हूँ, बिल्कुल मोटी मोटी सी, मैं देखती हूँ बच्चे की वैसे करते। तो दोस्तों ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे खेल वेल, कुछ नहीं रहे, इन लोग का हो रहा है बादल को लेने के लिए, अपनी फोटो में कैप्चर कर रहे हैं बादल को, अपने हाथ में पकड़ा हुआ दिखा रहे हैं, जो ऊपर का बादल है इसे ऐसा दिखा रहे हैं कि इन्होंने हाथ पे पकड़ रखा है ऐसे, फोटो शूट चल रहा है इनका जबरदस्त, तो ये फोटो ऐड कर दूंगी मैं इस व्लॉग में। बाकी ये है मम्मी पापा के खेतों का प्याज, पर ये प्याज ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया बेचारा, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, लेकिन जैसा भी है अपने हाथ की मेहनत, अपनी खेत किया शुद्ध, ये देखें। तो इस बार मम्मी लोग प्याज वगैरह खाते नहीं हैं बूबू की वार्षिक की वजह से, तो उसने सारा ही धरी भेज दिया जितना भी हुआ था, अब इनका रोना भी हो गया है। गाइस हम खेल रहे हैं ऊंच नीच का पापड़ा और यहाँ पे नित्या ऊपर चढ़ चुकी है इस सरफेस से ऊपर, मैंने काशी को लगाया कि उसे खींच के यहाँ लाए और फिर मैं काशी का हाथ पकड़ूंगा, काशी पकड़, हाँ पकड़ पकड़ उसको पकड़, काशी हाँ टी शर्ट पकड़ ले उसकी, बिल्ली पकड़ ले, हाँ पकड़ पकड़ तू पकड़ना उसको, काशी उंगली पकड़, उंगली पकड़, उंगली पकड़, उंगली पकड़ पकड़ उसको, पकड़ पकड़, हाँ काशी बस पकड़े रहना, काशी पकड़े रहना, पकड़े रहे काशी, छी यार काशी तू ज्यादा क्यों नहीं खाती होगी, कभी रोटी सब्जी खाया कर, पकड़ 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 दबोच दबोच पकड़, हाथ पकड़ ले, उंगली पकड़ ले, पकड़ पकड़ खींच 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 खींच, अरे यार काशी काशी तू सब्जी और रोटी ज्यादा खा ताकि तू वहाँ के नित्या को पकड़ पाए, अब मैं पकड़ता हूँ, छोड़ मैं वहाँ नहीं आ सकता नित्या, पर मेरा हाथ तो पहुँच सकता है, चिंगोटी काट ले, एज पर गेम के रोल चिंगोटी काटनी है, काशी छोड़ काशी छोड़ काशी मत छोड़ काशी छोड़ एक मिनट चल ठीक है, तू मेरा हाथ ले, काशी मत कर बीच में मत, ला ले चिंगोटी काट, मैं ऊपर आ गया ना, ले काट 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 चलो आज की शाम यहीं पे खत्म, खेल समापन होते हुए खेल के फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ अपने किचन में, दिन भर का काम निपटाने के बाद शाम का भी काम निपटा दिया है और यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी है जो आपने देखी थी मुझे काटते हुए, हरी सब्जी काटी थी मैंने, आज वही बना रखी है, बाकी आटा गूंद रखा था तो मैंने कहा तवा गर्म हो रहा है तब तक मैं सुबह के लिए भिंडी रो रही हूँ, कल मेरा मॉर्निंग में प्लान है भिंडी बनाने का, तब से नित्या काशी भिंडी की सब्जी, भिंडी की सब्जी कर रहे थे तो मैंने कहा भिंडी धो देती हूँ, खाना खाने तक भिंडी निखर जाएगी, मतलब इसका पानी सूख जाएगा तो उसके बाद कट करके रख दूंगी मॉर्निंग के लिए, पापा मम्मी मुझे लग रहा है 1.5 किलो भिंडी लाएंगे, 1 किलो से ज्यादा लग रही है। सही है, मेरे को तो भिंडी देख के भूख लगने लग गई है भाई, भिंडी कब खाएंगे कल सुबह, तो कल मॉर्निंग का हमारा ब्रेकफास्ट में बनेगा भिंडी स्कूल के लिए टिफिन में, और इनको वॉश कर देती हूँ अभी, फिर डालती हूँ रोटी, बाकी बच्चे अभी बैठे हुए फोन वगैरह देख रहे हैं और इतने सिंसियरली बैठे हैं ना, अभी दिखाता हूँ मुझे धोए इसको, भाई कभी पढ़ने भी बैठ जाया करो ऐसे, थोड़ा दूर बैठो, दूर दूर बैक मूव बैक नित्या, आल्सो यू आल्सो मूव मूव, हाँ गुड काशी, वेरी गुड काशी, गुड बहुत बढ़िया, अरे वाह भैया इसी से हो जाएगा भी डिनर आज, तो अच्छा ठीक है इडली खाओगी, कल सुबह क्या बनाऊंगी बताऊं, भिंडी आपने बोला था ना मम्मा भिंडी की सब्जी खानी है।
आप खा के आओगी, स्कूल से फिनिश करके आओगी सब्जी। किससे बनता है? लाइटर से भिंडी बनता है, लाइटर से गैस चलती है, लाइटर से गैस चलती है। मेरा चूहा, चूहे को पीट दो ऐसे। चल आराम से। तो जबरदस्ती मेरे से बुलवाया जा रहा है कि दोस्तों तुम इडली खा लेना और मुझसे कहा जा रहा है कि मैं बयान दूं कि तुम सांभर मैं गरम कर देती हूं और इडली खा लो। मतलब आप यहां देख सकते हैं कि जिस दिन यहां चाउमीन मोमो नहीं आए हैं उस दिन हमें दिन की इडली खिलाई जा रही है। ये है पति पर अत्याचार। कटोरी भर आटा गूंद रखा है। आटा किसने गूंद रखा है? क्या कहा फिर से कहना। तो मैंने क्या, हाँ सच्चाई दिखाओ यार, ब्लॉग में सच्चाई दिखेगी दुनिया तभी तो जानेगी। मैं वैसे कह रहा हूँ ना, इतना आटा क्यों गूंदा है? इसको टोकना हमारा धर्म बनता है, एज अ शिक्षक वी हैव टू स्पीक इन। इसमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है क्या? तो दोस्तों आप भी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे नाश्ता करते करते, तो आप भी, आप किसी ने बनाया नहीं होगा, किसी का बन रहा होगा, कोई कर रहा होगा, तो आप भी गरम गरम फुल्की खाइए, रोटी खाइए, पराठा खाइए, जो भी आपने ब्रेकफास्ट में बना रखा है वो खाइए। तो मैं भी करवाती हूँ इन लोग का डिनर और ब्लॉग को सोचती हूँ कर देती हूँ यहीं पे एंड। आज काफी टाइम के बाद आप मुझे खाना बनाते हुए देख रहे होंगे क्योंकि काफी टाइम से मैंने अपना किचन में खाना बनाते हुए ब्लॉगिंग नहीं करी थी, करी थी शायद मॉर्निंग में, परसों दूसरे पानी कब करी थी। तो इसी के साथ ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपने ब्लॉग इंजॉय किया होगा, इंजॉय किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज आप देख रहे होंगे मेरे किचन में बहुत ब्राइट ब्राइट नजर आ रही हूँ बिकॉज ऑफ भैया रिंग लाइट, भैया का दिया हुआ रिंग लाइट। तो क्योंकि हमारा बल्ब से मतलब उतना अच्छा उजाला नहीं आ पाता था तो इसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा उजाला आ रहा, तो मैंने कहा चलो आज किचन में रख के व्लॉग एंड किया जाए। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट, गुड बाय, सी यू टुमारो एंड टेक केयर ऑफ यू। स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए और हमें देखते रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए।